हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम घर में बैठे बैठे बिना कोई प्रपोजल फॉर्म और बिना कोई पेन एलआईसी वेबसाइट में दिए गए आनंदा पोर्टल को यूज करके कैसे हम पॉलिसी कंप्लीट कर सकते हैं, इसका पिन टू पिन जानकारी के लिए आप ये वीडियो को अंत तक देखें। ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है, अगर भाषा में कुछ गलती हुआ तो माफ कर देना। सबसे पहले क्रोम या एज ब्राउजर में LICIndia.com एंटर कीजिए। LIC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, उसमें आपको आनंदा पोर्टल का लिंक दिखाई देगा। आनंदा लिंक पर क्लिक कीजिए और मैसेज को ओके कीजिए। क्लिक करने के बाद आनंदा पोर्टल का साइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके डिसिग्नेशन के हिसाब से यूज़र टाइप को सेलेक्ट कीजिए। अगर आप एजेंट है तो दो ऑप्शन रहता है, पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। नॉर्मली आप एजेंट है तो यूज़र आईडी की जगह पर एजेंसी कोड डालना पड़ता है। अगर आप पहली बार आनंदा पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं तो पहले आपको अपना आधार ऑफलाइन eKYC को कंप्लीट करना पड़ता है। इसके लिए आधार पेपरलेस eKYC जिप फाइल कैसे डाउनलोड करने का और उसको अपलोड कैसे करने का वो सभी पिन टू पिन जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करके हमारे साथ रहिए और अंत तक देखिए। एजेंट का ऑफलाइन eKYC कंप्लीट होने के बाद आनंदा पोर्टल में आपको ये सभी ऑप्शन दिखाई देता है। सबसे पहले आपको प्रीमियम कैलकुलेटर और लीड जनरेशन को क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो जो LIC पॉलिसी आनंदा पोर्टल के द्वारा बेच सकते हैं वो सभी की जानकारी मिलता है। सभी को एंडोमेंट, होल लाइफ, हेल्थ प्लान्स, यूलिप्स ऐसा कैटेगराइज करके रखा है। जो प्लान आप बेचना चाहते हैं वो प्लान के नीचे दिए गए पीला रंग के बटन को क्लिक करना पड़ता है। तुरंत आपको COVID-19 की क्वेश्चन आएगा, इसको पॉलिसी लेने वाला आंसर देना पड़ता है। अगर लास्ट 3 महीने में कोविड पॉजिटिव आया तो उसको यस देना पड़ता है, नहीं तो नो दे के आगे जाना पड़ता है। आगे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज ओपन होता है, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ता है। पहले रेसिडेंस स्टेटस इंडियन रेसिडेंट और कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया ऐसा रहता है, दूसरा है तो चेंज करना पड़ता है। जेंडर को सेलेक्ट करना पड़ता है, ऐसे ही टाइप ऑफ प्रपोजल को चूज करना पड़ता है। नीचे में प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन, उसमें समर शूट देना पड़ता है, ईयरली मोड कौन सा मोड चाहिए उसको चेंज करना पड़ता है, पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। ये जीवन लाभ सेलेक्ट करने से वजह से खाली पॉलिसी टर्म दिया तो बस प्रीमियम पेइंग टर्म ऑटोमेटिक लेता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट अगर अपडेटिंग बैक करना है तो दूसरा डेट चेंज करना पड़ता है। नीचे में पॉलिस पर्सनल यस या नो देना पड़ता है। एक्सटेंड बेनिफिट राइडर को सेलेक्ट करना पड़ता है, AB चाहिए, ADD भी चाहिए। अगर पॉलिस पर्सनल है तो उसको भी अलग सा सेलेक्ट करना पड़ता है। नीचे का दो ऑप्शन उसके लिए है, पॉलिस ड्यूटी के लिए। उसके बाद AB और ADD राइडर जो सेलेक्ट करते हैं वो कितना अमाउंट का चाहिए वो भी वो मेंशन करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेस प्लान का समर शूट तक ले सकते हैं। और नीचे दो ऑप्शन रहता है, क्रिटिकल इलनेस और टर्म राइडर समर शूट के लिए, वो चाहिए तो उधर डालना पड़ता है, तो D0 डाल के आगे जाना पड़ता है। अभी प्रीमियम कैलकुलेशन हो गया है, एक बार ठीक से चेक करके कन्फर्म एंड प्रोसीड देना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। आगे का पेज में आपको एजेंसी कोड, डेवलपमेंट ऑफिसर कोड, CLIA कोड, सर्विसिंग ब्रांच कोड सभी दिखाई देता है। अगर आप आपका बिजनेस सेटेलाइट ऑफिस को देना चाहते हैं तो सेटेलाइट ऑफिस का कोड को सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद एजेंट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाद में प्रीमियम डिटेल्स, नीचे जनरेट लीड को क्लिक करने पड़ता है। आगे का पेज में कॉपी डाटा फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी ऐसा पेज आएगा, उसको कस्टमर ने ऑलरेडी आनंदा पोर्टल थ्रू पॉलिसी बनाया है तो यस दे सकते हैं, नहीं तो नो दे के
प्रोसीड देना पड़ता है। अगले पेज में आधार पेपरलेस ऑफलाइन ईकेवाईसी प्रोसीजर करना पड़ता है। उसके लिए ग्रीन कलर का लिंक को क्लिक करके आधार साइट को जाके ऑफलाइन ईकेवाईसी जिप फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है। अभी देखिए आधार कार्ड का वेबसाइट ओपन हो गया है और देखिए अभी आप एजेंट अभी तक आधार ईकेवाईसी अपडेट किया नहीं तो यही प्रोसीजर फॉलो करके आपका भी आधार ईकेवाईसी अपडेट करना चाहिए। इसके लिए आपको 12 डिजिट आधार नंबर देना पड़ता है, नहीं तो 16 डिजिट वर्चुअल आईडी नंबर देना पड़ता है और नीचे में बाजू में दिए गए सिक्योरिटी कोड को टाइप करके सेंड ओटीपी क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो ओटीपी आधार लिंक्ड मोबाइल को आता है उसको देना पड़ता है और उसके ऊपर एक 4 डिजिट वाला शेयर कोड डाल के उसको याद रखना पड़ता है। उसके बाद डाउनलोड क्लिक किया तो आपका ऑफलाइन ईकेवाईसी जिप फाइल डाउनलोड होता है। आधार ऑफलाइन ईकेवाईसी जिप फाइल डाउनलोड होने के बाद आनंदा पोर्टल पर वापस आना है, उधर प्रोसीड क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में कस्टमर का आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर को देना है और जो शेयर कोड आधार साइट में दिए थे वो शेयर कोड को नीचे पास कोड के जगह पर देना है। बाद में उसके नीचे का चूज फाइल को क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड्स को क्लिक करना है, उसमें से ऑफलाइन ईकेवाईसी का जिप फाइल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू क्लिक करना है। बाद में कस्टमर का आधार लिंक्ड मोबाइल को एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी एंटर करके फिर से कंटिन्यू क्लिक करना पड़ता है। इसके साथ कस्टमर का आधार पेपरलेस ऑफलाइन ईकेवाईसी का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज में आपको कस्टमर्स का एड्रेस, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल सभी दिखाई देता है। इधर आप प्रोसीड क्लिक किया तो दूसरा पेज ओपन होता है, उधर आपको वो कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपका आधार का एड्रेस अलग सा है तो कम्युनिकेशन एड्रेस में आप नया एड्रेस डाल सकते हैं, उसके साथ में ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज में बेसिक इन्फॉर्मेशन, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, ऐसा भी आधार कार्ड रहता है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना पड़ता है। मैरिटल स्टेटस में ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है, अगर मैरिड है तो नेम ऑफ द स्पाउस एंटर करना पड़ता है और प्लेस ऑफ बर्थ भी मेंशन करना पड़ता है प्रपोजर का, और पैन नंबर है तो प्रपोजर का पैन नंबर भी अपडेट करना पड़ता है। नीचे में पॉलिसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन में पॉलिसी प्लान, टर्म, सम अश्योर्ड, राइडर्स और डेट ऑफ बर्थ, वो सभी चेक करके, डेटिंग बैक है तो उसको भी चेक करके सेव एंड प्रोसीड देना पड़ता है। अगले पेज में ऑक्यूपेशन डिटेल्स में ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ ड्यूटी, सोर्स ऑफ इनकम और एनुअल इनकम कितना है, अगर सैलरीड है तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर कौन है, सभी मेंशन करना पड़ता है और लेंथ ऑफ सर्विस भी एंटर करना पड़ता है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इनकम टैक्स एसएससी है तो यस देना पड़ता है, नहीं तो नो देना पड़ता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो यस देना पड़ता है, नहीं तो नो दे के आगे जाना पड़ता है। ऑक्यूपेशन लीगल रिलेटेड क्वेश्चन में सभी का आंसर नो है तो ऊपर का नो क्लिक करना पड़ता है, नहीं तो हर एक का आंसर सेपरेट देना पड़ता है। आगे का एडिशनल इंफॉर्मेशन पेज में ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इनकम प्रूफ, टैक्स ब्रैकेट ऐसे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करके और सिक्योर्ड लोन को चाहे तो नीचे देना पड़ता है, अनसिक्योर्ड लोन अमाउंट है तो उसको भी डालना पड़ता है। अगर आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो आपके इनकम को कंपेयर किया तो रीजनेबल है तो यस दे के आगे जाना पड़ता है। नीचे प्रपोजर का अलग अलग सोर्सों से क्या क्या इनकम है और टोटल इनकम कितना है वो सभी मेंशन करना पड़ता है। बाद में आगे का पेज में आप प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स और प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स का क्वेश्चंस को आंसर करके सेव एंड प्रोसीड देके आगे का पेज को जाना पड़ता है। और आगे के पेज में फैमिली हिस्ट्री लिविंग और डेड कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करके एज और स्टेट ऑफ हेल्थ को
मेंशन करना पड़ता है। सभी मेंबर का डिटेल्स ऐड होने के बाद सेव एंड प्रोसीड क्लिक करके आगे का पेज जाना पड़ता है। आगे का पेज में हैबिट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें कॉमन आंसर है तो कॉमन आंसर देने का, नहीं तो अलग सा आंसर दे सकते हैं। और उसके नीचे में हाइट इन सेंटीमीटर मेंशन करना है, वेट इन केजीस मेंशन करना है, और स्टेट ऑफ हेल्थ गुड और नॉट गुड को सेलेक्ट करना है। के नीचे में हेल्थ हैबिट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, उसको आंसर करना है। और उसके नीचे फैमिली मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है, उसको आंसर करना है। बाद में सेव एंड प्रोसीड क्लिक करके आगे जाना है। आगे का पेज में आपको सेटलमेंट ऑप्शंस का क्वेश्चन आएगा, उसको यस और नो देना है। और उसके नीचे का सेव एंड प्रोसीड क्लिक करके और नेक्स्ट पेज में बैंक अकाउंट डिटेल्स देना पड़ता है, उसके नीचे नॉमिनी डिटेल्स भी देना पड़ता है। इसमें अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो ऐड मोर नॉमिनी को क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड देके आगे का पेज जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज में COVID-19 का पेज खुलता है, उसमें सभी क्वेश्चन को आंसर करके सेव एंड प्रोसीड देना पड़ता है। उसके बाद डिक्लेरेशन का पेज खुलता है, उसको आई एग्री क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का पेज ओपन होता है, वो सभी एक क्वेश्चन को आंसर करके नेक्स्ट सेव एंड प्रोसीड क्लिक किया तो आनंदा प्रपोजल पेपरलेस सबमिशन ऐसा पेज खुलता है, उसमें व्यू प्रपोजल, एडिट प्रपोजल और पेमेंट के लिए लिंक भी रहता है। ए सेम लिंक के साथ कस्टमर को एक ईमेल जाता है, उसमें कस्टमर वो लिंक को क्लिक करके प्रपोजल को वेरीफाई करना पड़ता है, उसके साथ पेमेंट भी करना पड़ता है। कस्टमर ई वेरीफिकेशन और प्रीमियम पेमेंट होने के बाद LIC की तरफ से प्रपोजल ई साइन लिंक चला जाता है। कस्टमर्स को ई वेरीफिकेशन और ई साइन लिंक टाइम पे नहीं मिलता है तो एजेंट अपने तरफ से अपने वेबसाइट से भी इस लिंक को रीसेंड करके कस्टमर को और एक बार भेज सकता है। उसके लिए एडमिन जॉब्स में जो रीसेंट लिंक्स है उसको क्लिक करके ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। कस्टमर को इस तरह ईमेल से आए हुए लिंक को यूज करके कैसे ई साइन करने का वो हम अभी देखेंगे। ए लिंक को क्लिक करने के बाद ऐसा साइट ओपन हो जाएगा, उधर प्रोसीड क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आपको आधार बेस्ड ई ऑथेंटिकेशन का साइट ओपन हो जाएगा, उसमें आपको आधार नंबर डाल के गेट OTP क्लिक करना पड़ता है। OTP आपके आधार लिंक्ड मोबाइल को आता है, वो नंबर को उधर एंटर करके सबमिट करना पड़ता है। ए सबमिट होने के बाद आपका प्रपोजल ई साइन हो चुका है, आपका ई साइन हो चुका है और एजेंट का ई साइन के लिए रिक्वेस्ट चला गया है, ऐसा मैसेज आपको दिखाई देगा। उसके बाद एजेंट भी सेम प्रोसीजर फॉलो करके प्रपोजल ACR ई साइन करना पड़ता है। एजेंट की तरफ से ACR ई साइन होने के बाद ऐसा मैसेज दिखाई देगा। उसके बाद भी अगर सम अश्योर के हिसाब से EMHR ज़रूरत है तो वो भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपके डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं तो CLIA को एक मेल चला जाएगा। अगर उनको ईमेल नहीं गया तो भी आप एडमिन जॉब्स में दिए गए ओपन लिंक्स को क्लिक करके ओपन EMHR लिंक को क्लिक करना पड़ता है। EMHR ई साइन पोर्टल ओपन होता है, उसमें एक्सेस ID देना पड़ता है। एंटर अथॉरिटी कोड में ADO ABM ऐसा है तो SR नंबर देना पड़ता है, अगर CLIA है तो एजेंसी कोड डालना पड़ता है। सो अथॉरिटी को सेलेक्ट करना पड़ता है, गेट OTP क्लिक करके OTP एंटर करना पड़ता है। उसके बाद व्यू प्रपोजल और प्रोसीड का दो लिंक दिखाई देता है, प्रोसीड क्लिक किया तो EMHR हो जाता है। उसके बाद आपका ब्रांच के NB डिपार्टमेंट में ए पॉलिसी का अंडर राइटिंग होके पॉलिसी नंबरिंग भी हो जाएगा।
हाँ फ्रेंड्स, अब बताइए ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं समझूंगा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब आप कम से कम एक छोटा सा पॉलिसी तो बना के आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाइए, क्योंकि हम सभी को टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत जरूरी है। आनंदा पोर्टल LIC का भविष्य है। अभी तक जो फॉर्म्स एप्लीकेशन आप लोग यूज कर रहे हैं वो दूर होने वाला दिन बहुत जल्द आने वाला है। फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो को अंत करने का टाइम आ गया है। वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दीजिए, के एजेंट दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।